दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाले नेशनल T20 कप का जो कि मैच खेला जाएगा, खैबर वर्सेस साउथ इंडियन पंजाब का मैच आप देखोगे, तो इस मैच को स्टार्ट हो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे ही बच रखे। और ये मैच तो T20 मैच है, तो अच्छा भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। लेकिन उससे पहले मैच कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा, तो टीम के लिए, फाइनल अपडेट्स के लिए, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको फाइनल स्मॉली टीम शेयर कर दूंगा, ग्रैंडी टीम शेयर कर दूंगा डेडलाइन से 15 मिनट पहले। सबसे सेंड है, सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आप उसके थ्रू कर सकते हो। दोनों लिंक 100% काम करते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के लिंक से कर लो, वो सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बारे जाइएगा, सर्च कीजिएगा बिना स्पेस देके ऐप एलिमेंट टीम, बिना स्पेस देके लिखोगे ऐप एलिमेंट टीम, तो एक चैनल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी के टाइम 42,600 से ज़्यादा लोग, 42,600 से ज़्यादा लोग, जहाँ पे हर एक मैच कवर करते, ये सारे के सारे मैचेस कवर करते, ठीक है। ऑफिशियल ज्वाइन का लिंक के तो सारे मैचेस यहाँ पे कवर करते हैं, ऑफिशियल ज्वाइन का लिंक के थ्रू लिंक 100% काम करता है। जैसे हमने जैसे कि ये वाला मैच हमने कवर किया था रात को, ये वाला मैच एक तरफ आ गया, और स्टाइप ये वाला मैच देख लो आप कहाँ क्या, ये वाला, इसमें भी हमने एक तरफा विन किया, विराट कोहली हमने वाइस कैप्टन किया, तो एक तरफा भी विन किए। तो ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू, लिंक 100% काम करता है। फेक मत ज्वाइन करो, फ्रॉड लोगों से दूर रहना, मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूँ, उसके थ्रू ज्वाइन कर लेना। एंड ये ना देखोगे तो दूसरी विकेट मैं बता देता हूँ। पहले हम बात करते हैं जो मैच है 11th मैच इस सीरीज़ का, और बात करते हैं ये विकेट से, तो दूसरी बता दूँ ये विकेट बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, यानी कि आपको ठीक ठाक स्कोर आपको देखने को मिलेगी। इस विकेट पे जो एवरेज निकल के आता है ना, फर्स्ट इनिंग का एवरेज वो आता है 157, एवरेज ही जब 157 है तो राउंड यहाँ पे जो स्कोर बन सकता है 180 पे जा सकता है आराम से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड अप चेसिंग, तो मात्र 20% चांस है रिकॉर्ड अप चेसिंग में विन करने के, यानी कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके जितने चांसेस 80% है, जो पहले बॉलिंग करेगी उसके चांसेस सिर्फ 20% है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मे भी जो पहले टॉस जीते पहले बैटिंग करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि पिच भी बैटिंग फ्रेंडली है और चेसिंग भी इस विकेट पे काफ़ी, मतलब कि ईजी तो नहीं होता है, काफ़ी मतलब टफ है चेसिंग करना, तो 20% मात्र चांसेस ही रहे। एंड बात करते सबसे पहले खैबर का जो कि लाइनअप सुनी चाहिए, ओपन करेंगे टीम इधर से फैरन, ओपन करते टीम से काफ़ी ठीक ठाक प्लेयर है, ओपन करेंगे अजमत के साथ, ओपन करेंगे वन डाउन कमरान गुलम जो कि बैटिंग बोलिंग दोनों करते एक अच्छे प्लेयर है, मोहम्मद हरी जो कि फोर नाइन बैटिंग करेंगे, खालिद उस पर जो कि कैप्टनसी करेंगे, आदिल अमीन, मोहम्मद सरवर, मस खान टीम इधर से, अरशद इकबाल, इमरान खान, इमरान खान जूनियर, तो ये है खैबर का लाइनअप। से एक चेंज होगा कि मोहम्मद हरी ओपन करेंगे फैरन के साथ, ओपन करेंगे वन डाउन कमरान गुलम, फोर नाइन पे बैटिंग करेंगे टीम इधर से अजमत वगैरह बैटिंग करेंगे, नहीं तो खालिद उस्मान आएंगे फिर ना बैटिंग करने, आदिल अमीन आ सकते फोर नाइन पे, सब ध्यान रखिएगा। एंड बात करते हैं अब जो कि साउथ इंडियन पंजाब का जो कि होनी चाहिए, यहाँ से ओपन करेंगे टीम इधर से जैन अब्बास ओपन करेंगे, मोहम्मद सैजाद के साथ ओपन करेंगे, जेसन अशरफ कॉर्नर बैटिंग करेंगे, अगर सलेमान कैप्टनसी भी कर रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, और टीम इधर से फर्स्ट पावर प्ले में बॉलिंग करता है सरुण सिराज, उसके अलावा मोहम्मद इमरान टीम इधर से, हसन खान उसके लिए, सेमिन गोल, मजीद अली, फैजाल अकमर और टीम से मोहम्मद लियास, तो ये है साउथ एंड पंजाब का लाइनअप। बात करते हैं टॉप पीस, तो कमरान गुलम इंपॉर्टेंट है टीम से, अगर सलेमान इंपॉर्टेंट, देखो अब कमरान गुलम क्या है कि टीम से काफ़ी अच्छे राइट हैंड बैट्समैन है, टीम से काफ़ी अच्छे स्पिनर है टीम से, तो आप कवर करके चल सकते हो। अगर सलेमान कुछ बॉलिंग होती नहीं है, अगर सलेमान टीम से एक ऐसा प्लेयर जो कि फोर में बैटिंग भी करता है, फर्स्ट पावर प्ले में न्यू बॉल से स्टार्ट भी करते हैं, ओवरऑल ठीक ठाक प्लेयर टीम से अच्छा प्लेयर है, मोहम्मद लियास जो कि विकेट टेकिंग प्लेयर है, स्वयं मकसूद जो कि काफ़ी अच्छी हिटिंग भी कर ले, तो टैलेंटेड प्लेयर है टीम से, टैलेंटेड बैट्समैन है। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन अगर सलेमान है कैप्टन जा सकते हो, स्वयं मकसूद के साथ जा सकते हो, मोहम्मद लियास वाइस कैप्टन जा सकते हो, कमरान गुलम जा सकते हो। बाकी जो अपडेट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पे जूस इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। 42 देखो ज़्यादा टाइम है, सिर्फ 3 घंटे बच रखे यार, ठीक है। तो ज़्यादा स्टार्ट्स वगैरह मैं वहाँ शेयर नहीं किया, क्योंकि ना उससे अगर निकालूंगा तो 2 घंटे उसमें लग जाएगा, 1 घंटे वीडियो में ही लग जाएगा, अपलोडिंग वगैरह शूट करने में उसी में लग जाएगा, तो बचा ही क्या है, इसीलिए टेलिंग चाहे पैक्टिंग ना 42 से ज़्यादा लोग हैं। और सभी को टाइम के 42 की फैमिली तो करा ही दिया हो, जल्दी से 50K की फैमिली टेलीग्राम पे करा दो, और यूट्यूब पे भी करा दो यार, 50K की करा देना, ठीक है। बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस, और बाकी आज के शेड्यूल बता देता हूँ, ये वाला मैच कवर करूँगा, इसके बाद मैं इसी का वीडियो शूट करूँगा, उसके बाद ये वाला मैच कवर करूँगा, और इसमें से कोई एक मैच यानी कि मैं ये कवर कर सकता हूँ, उसके अलावा ये मैच तो डेफिनेटली कवर कर, लाइव सोचते तो लाइव भी आ जाओ, लेकिन कवर जरूर से करना है इसको तो, और ये DP वर्ल्ड वाला
ना भी T20 ना इसका फाइनल मैच ही। फिलहाल इस वजह फोकस करते सुबह सुबह के स्टार्टिंग मैच, बस दिन अच्छा जाए यही चाह रहा हूँ। रात तो काफ़ी सही गया था। बात करें विकेट कीपर से लेकर उससे पहले दूसरे वीडियो को जूस लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा। चैनल सबसे पहले ऑल सेट कर दीजिए, आने वाले वीडियो से सबसे पहले को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। बात विकेट कीपर से, देखो मोहम्मद हरीस काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी यंगेस्ट प्लेयर, लेकिन जेसन अशरफ कोई कम नहीं है, तो काफ़ी जो हिटर है तो हिटर बारे में ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। जेसन अशरफ टीम तरफ से टैलेंटेड प्लेयर भी, जेसन अशरफ और विकेट कीपिंग भी काफ़ी अच्छी करते, तो मेरे हिसाब से दोनों अच्छे विकेट कीपर्स है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बट आपका अगर आपको लेने का मन हो सिर्फ एक ही विकेट कीपर, आप सोच देखिए मुझे एक ही विकेट कीपर चाहिए किसी भी हाल पर, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अपना लगाना, जो पहले बैटिंग करे आप उसका विकेट कीपर ले लेना। ये काफ़ी मतलब यूज़ करता हूँ और ये हमेशा काम भी करता है, जो पहले बैटिंग करे आप उसका विकेट कीपर ले लो, ये सबसे सेफ रहता है और इससे मतलब बहुत से मैचेस से काम करता है, मतलब मैक्सिमम मैचेस में काम करता है। टिप्स पर्सनली यूज़ करता हूँ, जब भी ऐसे कन्फ्यूज हो कि किसको ले तो मोहम्मद हरीस के साथ प्लेयर जा रहा हूँ, लेकिन जैसा नसर भी काफ़ी सही रहेंगे क्योंकि वो एक हीटर है। उसके अलावा सोहेब मकसूद लाइनअप लिखा हुआ है इस मैच के लिए, अवेलेबल तो अवेलेबल है, खेलते नहीं पा रही लास्ट मैच नहीं खेले तो, बट इसलिए अवेलेबल है। जैन अब्बास भी है, आदिल अमीन थोड़ा सा नीचे बैटिंग साइड रखेगा, साइड रखते हैं सभी को, ठीक है। एज फार एन इंपॉर्टेंट है जैन अब्बास रिपोर्ट, नीचे कुछ खास है ही नहीं, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तीन सबसे बेटर ऑप्शन ले लो ऊपर से, अगर सोहेब मकसूद नहीं खेले तो ड्रॉप कर दे, बट अभी लाइनअप लिखा गया है। उसके अलावा अगर सलेमिन इंपॉर्टेंट है, कमरान गुलाम इंपॉर्टेंट है, टीम से उसके लिए एज खान, देखो ये काफ़ी टीम से टैलेंटेड प्लेयर, मैंने लास्ट पिक भी कहता रहा, देखो टीम से विकेट भी लिया और टीम से कैचेस वगैरह भी पकड़े, तो एक अच्छा प्लेयर है ओवरऑल, आप जा सकते हो एज अ टीम से काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर। उसके अलावा खालिद हुसैन पता नहीं क्या हो गया, अब बैटिंग भी फिर सीखना पड़े, तो बैटिंग आ ही जा रही है, अब टीम से बॉलिंग से भी विकेट ले जा रहा है बंदा, पता नहीं क्या एकदम से हो गया है। तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ टीम दस अपने हसन खान के साथ, ठीक है। बाकी का खालिद उस्मान ट्रम्प कार्ड हो सकता है इस मैच, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस मैच ट्रम्प कार्ड है, मन कर रहा है कि खालिद उस्मान पिक कैप्टनसी कर रहा है बंदा, और चार ओवर बॉल ही पाता है, अच्छा इकोनॉमिकल बॉलिंग कराते हैं, लास्ट वीक उसको क्या हुआ था यार, तो देखोगे तो इस बंदे ने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, अच्छा फिर ओवरऑल मुझे मन कर रहा है पिक करने का, बट साइड है तो फाइन टीम्स, हसन अली लाइन तो है नहीं, अरशद इकबाल इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इमरान खान जूनियर को साइड रखते हैं, इमरान खान सीनियर को भी साइड रखती है, देखो ये जूनियर सीनियर ये लोग खेलते हैं यार ही। उसके अलावा सैम गुल इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद लियास इंपॉर्टेंट है, बसता है 10.5 फिट एंड आपको डिसाइड करना गेम चेंजर। नीचे देखोगे ऐप एक्रम भी काफ़ी टैलेंटेड, ये भी पूरा ओवर बॉलिंग पाते हैं, तो अब जो फाइव प्लेयर है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब देखो पता ही नहीं लोग यहाँ पे ट्राई नहीं कर रहे, यहाँ पे मैं रिस्क खालिद उस्मान के साथ, हालांकि उसके अलावा इमरान खान जूनियर को भी ट्राई कर सकते हो, और इमरान खान सीनियर भी काफ़ी सही है। मेरे जो फाइन प्लेयर थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, ये मजीद जो कि इनका किड अब लेस कर दिया गया है, पहले अच्छे मतलब कि वो टॉप में थे। एक चीज़ मैं अपने नोटिस किया हूँ मैंने, ठीक है वो आपको दिखा देता हूँ। अगर देखो लास्ट मैच उन्होंने क्या किया था पहले देखना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप देखो के एच पी के बैटिंग करें तो आदिल अमीन फोन में बैठे थे, मैं आपको बता चुका हूँ फोन में बैटिंग किए थे, लेकिन फोन में बैटिंग करने के बाद भी इन्होंने दो बार बॉलिंग पाए थे टीम से। अगर खालिद उस्मान बॉलिंग पा सकते थे, अगर आदिल अमीन अगर बॉलिंग नहीं पाते तो, लेकिन ज़बरदस्त पिटाई भी आती इस बंदे की, लेकिन इस बंदे ने फोर में बैटिंग करने के बावजूद एक ओवर तक दो ओवर बॉलिंग पाए थे और एक विकेट भी लेके गए, खालिद उस्मान बॉलिंग नहीं पाए क्योंकि इन्होंने बॉलिंग पा लिया था इसलिए से, बट अदरवाइज खालिद उस्मान काफ़ी अच्छे है, तो ये आपके लिए आदिल अमीन ट्रम्प कार्ड हो सकता है। तो आदिल अमीन तो फाइनल टीम में पिक करूँगा, इमरान खान सीनियर और इमरान खान जूनियर में से किसी को पिक करना है, आप देखो तो इमरान खान जूनियर का लक साथ दे रहा है, इमरान खान सीनियर का लक साथ नहीं दे रहा है, तो अगर आपको लक वाइज जाना है तो आप चले जाओ इमरान खान जूनियर के साथ, अगर आपको रिस्क लेना है तो इमरान खान सीनियर के साथ जाओ, ये जूनियर है और ये सीनियर है। मेरा मन कर रहा है सीनियर के साथ जाने के लिए क्योंकि टीम दस फर्स्ट पावर प्ले में न्यू बॉल से स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, अगर आप रिस्क लेना चाहो तो जा सकते हो, मैं फिलहाल थोड़ा सेफ ही जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो बॉल ही नहीं पाएगा इस मैच, इसलिए मैं भी थोड़ा सेफ ही जा रहा हूँ खाली दुश्मन के साथ, जो कि कैप्टनसी कर रहा है, विकेट लेके इजीली दे भी सकते हैं, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर भी है। अगर आपको रिस्क और भी सेफ जाना है तो यहाँ पे चले जाओ आदिल अमीन के साथ, जो कि फोन है बैटिंग भी कर रहा है, चलो आदिल अमीन के साथ ही जाते, ठीक है। सोहेब मकसूद नहीं तो ड्रॉप कर देगा, अभी आदिल अमीन के साथ ही जाते क्योंकि फोन है बैटिंग है, तो दोबार बॉलिंग भी तो पाया था, बट हो सकता बॉलिंग ना पाए इस मैच पे, है तो पेसेस एक ऑलराउंडर ही है, बॉलर इसी से बॉलिंग ऑलराउंडर है, ज़्यादा कोई अच्छा है नहीं। कैप्टन से हम बात करें तो मेरे लिए सबसे बेटर ऑप्शन होनी चाहिए जूनियर सीनियर को एक बार देख लें, ठीक है, इमरान खान जूनियर और सीनियर को उसको देख लेना, मैं पार्टी में सोचूंगा उसको पिक करने की नहीं पिक करना, और आपको लगता है फर्स्ट पावर प्ले में विकेट गिरेंगे तो पिक कर लेना, और आपको लगता है नहीं गिरेंगे तो ड्रॉप कर देना, मेरे हिसाब से तो गिर सकते विकेट ऐसा लग रहा है, एक मिनट देखता हूँ, हो भी सकता है क्योंकि जेन अब्बास नहीं विकेट गिरना चाहिए। चाहे तो कैप्टनशिप पर बात करें तो आगर सलेमान सबसे बेस्ट कैप्टन है, क्योंकि देखो फोन है बैटिंग भी कर रहे हैं,
कैप्टनसी भी कर रहे और चार ओवर बॉल नहीं पा रहे, तो इससे बेटर ऑप्शन है ही नहीं। वाइस कैप्टन कमरान गुलाम और मोहम्मद लियास वगैरह को लोग ट्राई करते, तो मोहम्मद लियास की विकेट टेकिंग प्लेयर टीम, ये बंदा विकेट टेकिंग प्लेयर है ये हर कोई जानते हैं इनको। तो सैम गुल भी है और सादिक वाली विकेट टीम, इनमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैं अपना वाइस कैप्टन फिलहाल कमरान गुलाम के साथ जो टीम से बैटिंग बुल तो नहीं करते, लेकिन अभी थोड़ा सेफ ही जा रहा हूँ मोहम्मद लियास के साथ, आप चाहो तो कमरान गुलाम को भी ट्राई कर सकते थे। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल फिल्म सेम टी के साथ, आप अमाउंट जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाकी सोई मकसूद भी काफ़ी सही सी पी सी के लिए। अगर आप रिस्क लेना पसंद है तो यहाँ पे एस फैरन वगैरह सही है, बट हाँ ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो आप अगर रिस्क ले रहे हो तो ग्रैलिटी में ड्रॉप कर सकते हो, एस फैरन को ड्रॉप कर सकते हो ग्रैलिटी में, या फिर स्मॉल टी में जो रिस्क है वो ले सकते हैं। तो अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो एस फैरन को ड्रॉप कर देना। चेन अब्बास भी ठीक ठाक प्लेयर है, वो तो टीम से थोड़ा सिर्फ ज़्यादा है ना कि टैलेंटेड की चेन अब्बास है, ये नहीं हर कोई जानता है, एस फैरन को भी जानते हैं अच्छे से, वो भी काफ़ी टीम से टिक आउट प्लेयर है, टिक के खेलता है। अभी के लिए सेम टी से जाओ, कोई चेंजेस होगा तो टेलियाँ पे जूस अपडेट करूँगा, कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको टेलियाँ पे अपडेट कर दूँगा, तो टेली चाहे पैक्टेड रहना। अभी सेम टी के साथ अमाउंट जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो, ज़्यादा मत करना, स्टार्टिंग का भी मैच है, अगर आपको ज़्यादा करने का मन है ना तो सिंपली स्क्रीन शॉट पर इस टीम का ले लो, इस मैचेस में कर लेना, हो सकता है लाइव आओ एक इस मैच में और एक वुमेन मैच में, इस दोनों में कभी मिस ही नहीं कर सकता, बहुत अच्छा ठीक है रहता। बाकी सेम टी के साथ जाओ, सिर्फ 3 घंटे बचे गए, अभी कभी अपलोड करिए, सेम टी की स्क्रीन शॉट लो, जाकर कॉन्टेस्ट की बुक करो और टेलियाँ पैक्टेड रहना, जहाँ पे 42 से 600 से ज़्यादा लोग हैं। कोई डाउट हो तो चेक कमेंट कर देना, कोई अगर डाउट हो तो चेक कमेंट करना, ठीक है।